आज हम सीखेंगे कि जब हमारे फ्रिज में करंट आता है तो कैसे पता करें कि ये करंट फुल करंट है या हवाई करंट है, या अगर फुल करंट है तब कैसे सही करें, और हवाई करंट मतलब फाल्स करंट है तो कैसे सही करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस केस में कस्टमर को सर्टिफाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, करंट वाली चीज़ है तो कैसे करते हैं, काफ़ी ईजी है लेकिन जानने के बाद इसमें क्या है कि फुल करंट है या नहीं है ये पहले पता करना पड़ेगा। फुल करंट होगा तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सीधा उस चीज़ को बदलेंगे जहाँ से करंट आ रहा है। तो फुल करंट है या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको ये मीटर कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना होगा जहाँ पे ये साउंड करता है। याद रहे टेस्टर हवाई करंट में भी जलता है और फुल करंट में भी जलता है, तो टेस्टर से कुछ नहीं पता कर सकते कि हवाई करंट या फुल करंट है। टेस्टर जलेगा तो भी चप्पल उतार देंगे, ऐसे पकड़ेंगे चाहे ऐसे पकड़ेंगे तभी नहीं मारेगा, तो हवाई करंट उसको छोड़िए। हम कैसे जानते हैं हवाई करंट है फुल करंट उसको समझिए। एक तार रख देंगे इस पे जो न्यूट्रल फेस की पॉइंट है, किसी एक पे रख करके पहले तो हम एक बॉडी पे रखेंगे, बॉडी पे इसको पकड़िए, आप इसको पकड़िए, एक पकड़िए इसको बस, फिर देख लेते हैं कहीं पेंट वाले इतना रखा है, ठीक है ना एकदम। ये न्यूट्रल फेस है ना, इस पे रखेंगे कुछ नहीं बताना चाहिए, नहीं बता रहा ना, इस पे रखेंगे कुछ नहीं बताना चाहिए, इसका मतलब है कि ये फुल करंट नहीं है। याद रहे इस पे मत रख दीजिएगा, इस पे रखेंगे तो बता देगा क्योंकि ये तार किसे टच है, बॉडी टच है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको एकदम छोड़ ही दीजिए। इस पे रखेंगे और इस पे रखेंगे अगर ये बता जाए, यहाँ बता रहा है क्या, नहीं बता रहा ना, नहीं बता रहा। एक चीज़ और देखिएगा अभी भाई, पकड़िए इसे भी थोड़ा सा, रखिए इसे कहीं लगाइए, बता रहा है अब, समझ में आ रहा है कुछ। अगर ये बता दिया तो मतलब फुल करंट है, अगर नहीं बताया तो हवाई करंट है। लेकिन जो करंट तो आ ही रहा है ना, करंट है कुछ भी है लेकिन हमें पता करना फुल है या हवाई। अगर बताया तो फुल, देखिए बता रहा है मतलब फुल करंट। फुल करंट कैसे आ गया, ये देखिए बॉडी में टच है तार, ये तार बॉडी में टच कराया गया था। इसी तरीके से अगर ये तार कहीं छील के बॉडी में टच हो जाएगा तो करंट आ जाएगा, या बॉडी में नहीं टच हो रहा है तार लेकिन ये जो कंप्रेसर है ये शॉर्ट हो गया है तब भी आ जाएगा। तो मतलब अगर मीटर बताया तो फुल करंट है, नहीं बताया तो फुल करंट नहीं है। मान लीजिए फुल करंट तो कैसे पता करेंगे कहाँ करंट है, अब बस छोड़ दीजिए इसको, दीजिए बताएं। मान लीजिए कि फुल करंट बता दिया मीटर, अब हमको नहीं पता ये फुल करंट कहाँ है, कंप्रेसर के अंदर है ये तार के अंदर है कहीं तार, तो इसको पता करने के लिए सिंपल सा काम है, बस इसको निकाल दीजिए कंप्रेसर से, जो सप्लाई इसमें दी गई है हाई निकाल दी, ये तार अलग हुआ कंप्रेसर से ना, अब कंप्रेसर से कोई मतलब ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई है ही नहीं। अब फिर से चेक कर लीजिए, उसको फिर से सटाइए, दो बॉडी में सटा दीजिए कहीं पर, सटाए रहिए इसमें, नहीं नहीं कहीं वहीं 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 सटाइए जहाँ पर पेंट गिर रहा है, इसको उस साइड से रखिए, तो उस साइड से रखिए, इसको उधर करिए, रुकिए थोड़ा सा, हटाइए हटाइए हटाइए, ले जाइए इधर 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 ले जाइए, उधर क्यों ले जा रहे हैं, फिर उधर ले जा रहे हैं, इधर साइड साइड डालिए ना उधर, हाँ बस हमने दिक्कत करेगा ये, बस ठीक है। क्या तुम लगे, क्या तुम लगे, फिर से इसको आप यहीं पे लगाइए बॉडी पे, एक तार बॉडी पर रखते हैं फ्रिज के और एक यहाँ पे रखते हैं, एक पे नहीं बता रहा है ठीक है, दूसरे पे चेक करेंगे, इस पे बता रहा है ना, इसका मतलब है कंप्रेसर शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट क्या है, कोई तार कहीं सटा हुआ है। अगर हटाइए हटाइए, अगर इस तरीके से तार को निकालने के बाद कंप्रेसर पे इस पे रखने के बाद अगर नहीं बताता है तो मतलब ये तो सही है, फ्रिज की वायरिंग वगैरह शॉर्ट नहीं है, सब सही है, कंप्रेसर शॉर्ट हो सकता है क्योंकि बता रहा था। तब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर चेक कर लेंगे, कंप्रेसर चेक करने का तरीका क्या है, ये चीज निकालेंगे यहाँ से और एक यहाँ पर रख देंगे प्रोब बॉडी पे, दोनों पहले रखेंगे ठीक, और एक उठा के फिर चेक करेंगे बारी बारी से, दिख रहा है मीटर, दिख रहा है मीटर, तीनों को चेक करेंगे, नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा, नहीं बता, अगर बताते तो कंप्रेसर 60 है, नहीं नहीं बताता तो कंप्रेसर 60 है। इस तरीके से हम क्लियर करेंगे कि फुल करंट है या नहीं, अगर फुल करंट हो इस तरीके से क्लियर करेंगे कि कंप्रेसर 60 है या नहीं, तार 60 है या नहीं, कंप्रेसर से तार हटा के चेक करेंगे, तार को अगर बता दिए तार 60 है उसको चेक करिए कहीं सट रहा है बॉडी में, अगर नहीं बता रहा है तो ठीक है फिर कंप्रेसर चेक करिए, कंप्रेसर पे बता रहा है इसका मतलब कंप्रेसर ही 60 है। ये सबको समझ में आया, किसी को नहीं आया ये बताइए हमको, ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद हवाई करंट के बारे में समझेंगे, फिर से तार वाले फिर से, देखिए कहने का मतलब
जब आपने पूरी वायरिंग हुई थी उस टाइम चेक किए तो बता दिया कि फुल करंट है, लेकिन फुल करंट कंप्रेसर में है या तार में है ये नहीं पता, और ये क्लियर करना मुश्किल होता है। तो हम कंप्रेसर से इस कनेक्शन को हटा ही देंगे, कंप्रेसर से इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद हम चेक करेंगे। अब अगर अब बता दिया तो मतलब कंप्रेसर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब वायर ही शॉर्ट है। चलिए चेक करते हैं, बॉडी पर रख दीजिए कि हाँ रखे, नहीं बता रहा है, एक बार दूसरे वाले पर भी चेक कर लेते हैं, इस वाले पर इसे भी नहीं बता रहे, इसका मतलब तार शॉर्ट नहीं है। अगर बता दे तो तार शॉर्ट है, क्लियर हो गया ना, समझ आ गया। शॉर्ट मतलब कहीं बॉडी में टच हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा, थर्मोस्टेट के पास जाकर देखिए, इधर देखिए, सब देखिए, ये हो गया, ये हो गया फुल करंट। अब उसके बाद हमने जब इस पर लगाया और लगा के पूरा वायरिंग वायरिंग हुई थी, हमने यहाँ पर लगा प्लग पे चेक किया तो ये कुछ बता ही नहीं रहा है, लेकिन करंट तब भी लग रहा है, कस्टमर बोल रहा है हवाई करंट हो, इसका मतलब क्या होगा, ये हवाई करंट है, फुल करंट नहीं है। जान तो ये करंट नहीं लेगा लेकिन नुकसान करेगा, ऐसा लगेगा कि करंट लग रहा है, मतलब करंट हाँ जैसे जुनूनी पकड़ती है ना, उस तरीके से लगता है करंट जैसे लग रहा है, लेकिन उससे कोई नुकसान है नहीं क्योंकि फुल करंट नहीं है, लेकिन उससे भी कस्टमर डरते हैं, अर्थ जैसे मतलब हाँ अर्थ जैसे लगता है ना, उस तरीके लगेगा, उसको कहीं सही करेंगे। उसको देखिए, या तो आपका इंसुलेशन कमज़ोर हो गया है, बॉडी में टच हो रहा है तो इंसुलेशन थोड़ा थोड़ा करंट क्रॉस होकर बॉडी में जा रहा है, इसको देख लीजिए। दूसरी चीज़, कभी कभार इसमें पानी जो है ना, वायरिंग गीली हो जाती है पानी की वजह से, किसी वजह से पानी गिर रहा है तो इस पर चला गया, तब भी हवाई करंट आता है। कभी कभार दीपावली वीपावली को अवसर पर ना क्या करते हैं, सब धुल देते हैं, पानी से धुल देते हैं फ्रिज को, पानी से धुल दे, करंट तो 99% क्लियर हो जाता है, आ ही जाएगा, पानी से नहीं धुलना होता है, बस पोछा लगाना होता है, गार के कपड़े को भिगा के तब पोछा लगाइए, पूरा बॉडी धुल देते हैं सब सही से एकदम गीला करके, उस केस में करंट आ जाता है। अगर ये धुले हुए हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है, उठा के धूप में रखा जाए और वो सूख जाए, ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। उसके बाद भी आ रहा है, जाकर थर्मोस्टेट के पास चेक करिए, कोई तार कहीं हो सकता है कि सट उट हो रहा है, थोड़ा वो सट रहा होगा तो हवाई करंट आ रहा है, ये सब सही है, सब चेक कर लिए, उसके बाद भी हवाई करंट आ ही रहा, करंट हट ही नहीं रहा, धूप में भी रख दिए, तार भी चेक कर लिए, तार गीला तो उसको भी सुखा लिए, उसके बाद भी ये करंट नहीं ख़त्म होगा, तब लास्ट ऑप्शन है अर्थ करना पड़ेगा। अर्थ मतलब जानते ना, एक राड गाड़ेंगे ज़मीन में गीली जगह पे, लगभग 3-4 फीट का राड गाड़ देंगे, उसके बाद वहीं से एक तार लेके आएंगे और इसके बॉडी में टच कर देंगे। अब जो इसमें हवाई करंट आ रहा था, टेस्टर जल रहा था, ये तार इस करंट को लेके ज़मीन में चला जाएगा, टेस्टर अब नहीं जलेगा, ना ही आपको करंट लगेगा। आप समझिए, अब इस वाले तार के बारे में सबसे बड़ा काम इसका है, आदमी को बचाता है करंट लगने से। ये जो अर्थ का वायर है, ये बॉडी में टच होता है, बॉडी में कहीं टच होता है, ये आप लोग देखे भी होंगे, देखिए यहाँ पर टच हुआ था, इसमें देखिए यहाँ पर है ना, इसको कसता हुआ है, ये कसता हुआ है ना, यहाँ पर टच है, ये क्या करता है, और ये इसका कनेक्शन किस वाले पॉइंट से होता है, बड़ी वाली पॉइंट से होता है, मतलब इस वाले पॉइंट से। जब भी वायरिंग की जाती है तो कंपनी वाले क्या करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट न्यूट्रल के लिए, एक फेस के लिए और एक अर्थ के लिए, लेकिन सारे जो भी कस्टमर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, सब क्या करते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं, 90% लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें लगा देते हैं और चलता रहता है। अब क्या होता है, जब कभी इसमें कोई हवाई करंट किसी वजह से बनता है, इसके अंदर भी तो बाइंडिंग है ना, और गैस उस बाइंडिंग से घूम के आती है टकरा के, हवाई करंट जब कभी बनता है तो इस करंट इसमें आ जाता है, लेकिन अगर इसमें आप करंट दी, ये अर्थिंग का तार जोड़े रहेंगे तो ये अर्थिंग का तार कहाँ टच है, बॉडी में टच है, तो जब कभी इसमें कोई हवाई करंट आएगा तो इस तार के जरिए से सीधा चला जाएगा ज़मीन में और आपको करंट नहीं लगेगा। देखिए, हमें करंट उस टाइम लगता है जब हम ज़मीन पर खड़े हों और जूता चप्पल वगैरह ना पहने हो, तो यहाँ पे जब पकड़ेंगे, जब यहाँ से फेस मिला और हमारे जरिए से न्यूट्रल मिला, मतलब ज़मीन से भी न्यूट्रल है ना, तो इसको तभी हमें करंट लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है, अगर गीली बॉडी रहेगी तो 1000 रेजिस्टेंस होगा और अगर सूखी रहेगी तो 1,00,000 रेजिस्टेंस होगा, और ये जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है ये 0 होता है या 3 ओहम होता है, 0 ओहम या 3 ओहम। तो हमारा रेजिस्टेंस हमारे यहाँ बाधाएं ज़्यादा है हमारे जरिए से जाएगा तो, और इधर रेजिस्टेंस कम है, तो जब भी बिजली रास्ता अपनाती है तो जिधर बाधाएं कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, उधर ही अपनाता है, तो ये करंट हमारे जरिए ज़मीन में ना जा करके इस तार के जरिए ज़मीन में चला जाता है, और जब हमारे जरिए ज़मीन में जाए करंट तभी हमें करंट लगेगा भी, पता ही आप लोगों को। तो ये अर्थिंग जब हुई रहती है तो ये करंट जो बनता है ये इस तार के जरिए ज़मीन में चला जाता है, हमारे जरिए से नहीं ज़मीन में जाता, इसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है, तो इसीलिए अर्थिंग किया जाता है। और अर्थिंग के बगैर इसको चलाने से कंपनी मना करती है, उस पर लिखा रहता है, जो उस पर नोटिस नोट मिलती है ना, उस पर लिखा होता है बगैर अर्थिंग के आप इसको मत चलाइए, लेकिन लोग क्या करते हैं, चलना चलने दीजिए, बाद में जब आता परेशान हो जाते हैं।
तो सब कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे, एक राड गाड़ेंगे, सिंपल सर्फिंग बनाएंगे, ला के बॉडी में टच कर देंगे, या बॉडी में टच करिए या यहाँ पर टच कर दीजिए, हाँ जब खोसेंगे तो इसके जरिए से जाके बॉडी में टच जाएगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या अगर आपको नहीं करना उसको बोलिए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाए वो अर्थिंग करवा ले, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको कस्टमर को बताना होगा, तब जाके वो क्लियर हो पाएगा। ये है करंट आने का, किसी किसको नहीं समझ में आया बताइए। सर, हवाई करंट पे कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, हवाई करंट पे कंटिन्यूटी कभी नहीं बताएगा। कंटिन्यूटी बता रहा है इसका मतलब डायरेक्टली सप्लाई, मतलब यहाँ सप्लाई दिए तो डायरेक्टली वहाँ पहुँची तभी वो आया वहाँ। हवाई करंट पे कंटिन्यूटी नहीं आती है। ये सी लाइट आई अभी तक नहीं आई, क्या कर रहा है ये? अर्थिंग साथ में डालते हैं, साथ में डालते हैं। सर, फेस का करंट रहेगा तो कंटिन्यूटी बताएगा। हाँ, अगर फुल करंट आएगा तो कंटिन्यूटी बताएगा। दूसरी चीज़, हवाई करंट का एक तरीका और है सही करने का, भूल गए बता नहीं पाए। इधर समझिए भूल जाएंगे जान। हवाई करंट सही करने का एक तरीका और है, वो इन सबसे थोड़ा सही था लेकिन वो दिमाग में आया ही नहीं इस टाइम। कहने का मतलब, हवाई करंट कभी कभार ऐसे आता है ना, दो तरीके हैं, देखिए एक और याद आ गया। एक तो है ये अर्थिंग को काट दीजिए, हवाई करंट हटाने का एक तरीका है कि अर्थिंग को काट दीजिए। ये क्यों बता रहे हैं इसको समझिए। नहीं नहीं, ये अर्थिंग आप लगी है ना, पलंग लगाएं तो करंट आ रहा है, तो ये अर्थिंग को काट देंगे तो फिर ये करंट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा ये समझिए। कभी कभार क्या होता है कि ये जो अंदर से तीं तारे गई हैं, एक फेस है, एक न्यूट्रल है, एक अर्थ है, उसका इंसुलेशन कमज़ोर हो गया। कहने का मतलब, ये जो तार का इंसुलेशन है ना ऊपर का, ये कमज़ोर हो गया फेस वाले का, और इसका भी कमज़ोर हो गया अर्थ वाले का, तो ये क्या हुआ, टकरा गया सीधा। थोड़ा सा उठ के तरंगे बन के आ रही हैं इसमें अर्थ वाले में, और अर्थ कहाँ जुड़ा है, बॉडी से, तो ये फेस हल्का हल्का बॉडी पे आ गया, तो ये करंट आ रहा है किसके जरिए से, इस अर्थिंग के जरिए से। तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जो यहाँ से घूम के उसमें जा रहा था उसको काट दें, अब उसमें बॉडी में जा ही नहीं रहा, करंट नहीं लगेगा। एक ये हो गया। दूसरा है कि ये जो प्लग आपने लगाया है, ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रल का तार ही बॉडी में हल्का हल्का टच हो रहा हो सकता है फेस का तार तरंगे बन के हल्का हल्का बॉडी में कहीं टच हो रहा हो। आप क्या कर दीजिए ना, इसको उल्टा लगा दीजिए, उल्टा लगेगा नहीं, अंदर का जो तार यहाँ लगा है इसको इस साइड कर दीजिए, इसका तार इधर कर दीजिए। तो अब जो इसको लगाएंगे तो न्यूट्रल का तार अगर बॉडी में हल्का हल्का टच होगा तो न्यूट्रल से करंट लगता नहीं है, तो ये जो हवाई करंट था इस तरीके से भी ख़त्म हो जाएगा। दो तरीका बताएं, एक तरीका ये है, इस अर्थिंग को काट दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि न्यूट्रल की जगह फेस की जगह न्यूट्रल कर दीजिए, उस केस में भी ये अर्थिंग, मतलब जो हवाई करंट आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सब करने के बाद नहीं ख़त्म होता, तब अर्थिंग कर दीजिए। वैसे पॉसिबल हो तो पहले ही अर्थिंग कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी कभी ये करंट ना आए, लेकिन पॉसिबल ना हो तो सब चेक करने के बाद लास्ट में दूर से भी अर्थिंग करनी पड़े तो करके तार अंदर अंदर लेके आइए और इसी में लगा दीजिए, इस तरीके से कर देते हैं। सर, रोड में न्यूट्रल का फेस कर देंगे, फेस का न्यूट्रल आए तो इसी तरह लगाएंगे तभी चलेगा। हाँ, बस हो गया ना, मतलब कि यहाँ पे पहले फेस आ रहा था और ये फेस वाला तार कहीं हल्का हल्का टच हो रहा था, तो अब जब यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे तो न्यूट्रल वाला तार हल्का टच होगा बॉडी में, उससे कोई नुकसान ही नहीं है। वो तो हमको पता है, चप्पल उतार भी दे, पानी में भी खड़े हो जाए, उसके बाद न्यूट्रल पकड़े तो कोई करंट नहीं लगने वाला है। तो न्यूट्रल अगर बॉडी में आ रहा है, फेस नहीं आ रहा, तो फिर सही हो गया, टेस्ट भी नहीं चलेगा। ये हो गया, फीमेल लीड से चेक नहीं, मेल लीड से चेक नहीं करना होगा, न्यूट्रल जहाँ पे उसको फेस करना होगा, फेस करेगा न्यूट्रल वही कर दीजिए, बस वही कर दीजिए। या तो आप पलक पलट दीजिए, या तो बोर्ड के अंदर, या बोर्ड के अंदर से कर दीजिए। कुछ पलक होते हैं जिसके पॉइंट नहीं पलटे जा सकते, तीन पलक पिन वाला है, किसे पलटेंगे, पलटा पाएगा कभी नहीं, तो इसके लिए अंदर से पलट देंगे खोल के, इधर कर देंगे, हो जाएगा ऐसा कर।